श्री चक्रधर स्वामी की जय। हमारा सब्जेक्ट पहला, चैप्टर पहला, या बोलिए सब्जेक्ट पहला बोलूंगा मैं, अन्य व्यावृत्ति। 9 चैप्टर्स हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें पहला सब्जेक्ट जो है हमारा वो देवताओं के बारे में, दिव्य शक्तियों के बारे में है। क्या है उसमें? इस चैप्टर को नाम दिया गया है अन्य व्यावृत्ति, आचार्य जी स्वामी ने दिया है। मैं इसको थोड़ा सा नाम देता हूँ दिव्य शक्तियाँ, दिव्यता, दिव्य शक्तियाँ। परमेश्वर भी दिव्य है, शक्तियाँ हैं। पहले मैं आपको ये सूत्र कराऊँ या पहले मैं आपको बताऊँ डायग्राम बना कर, माइंड में पिक्चर बना कर? पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पीछे पढ़ा तोची परमेश्वर निर्वेवो, मैं वहाँ पे उस चीज़ को लेकर आता हूँ अब आगे। वह परमेश्वर निर्वेव निरा परी कृपा वशे, ये दो जो हमने लाइनें पढ़ी हैं उसको आप सुनिए पहले। अभी ये चीज़ क्या है? आपको कहेंगे दादा हमने परमेश्वर का अवतार तो सुना, चलो मान लीजिए हमने देख भी लिया, एक बार हमें भगवान के दर्शन हो भी गए इन आँखों से, हमारे सामने श्री चक्रधर महाराज आ भी गए, श्री दत्तात्रेय हमारे आ भी गए, क्या वही एक सीमा है? नहीं। बैसा माता जो पूजा अवसर करती थी तो वो अंदर कुछ देखती थी ना, उसको आठ सात ही भाव प्रकट होते, तो वो क्या देखती थी? मैं अब आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, अव्यक्त और निराकार, अव्यक्त राधर, जो व्यक्त नहीं हुआ हमारे सामने, जहाँ देख नहीं सकते, जिसमें हमने विलीन होना है, वो क्या है एक्चुअल में? वो निर्वचन में आया है, पर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँगा। अपना गूगल खोलिए, उसमें लिखिए यूनिवर्स इमेजेस, क्या आएगा? मैं खोलता हूँ आपके सामने, अभी फोन है मेरे पास, गूगल सर्च खोलिए, उसके ऊपर आप लिखिए यूनिवर्स, लिख दीजिए, उसकी इमेजेस देखते हैं हम लोग क्या आएगा। मैं कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। यूनिवर्स इमेजेस, क्या आया ये? क्या क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, और ये तो कलरफुल है यहाँ पे सारा कुछ, ये तो कलरफुल है सब कुछ। ये क्या है? सब कलरफुल है। ये पिक्चर कलरफुल क्यों आई? उसके पीछे दूसरा देखोगे तो ब्लैक ब्लैक है, ठीक है? ये सब जो है ना, ये क्या है? ये सब जो है, जो अन्य वृत्ति में पढ़ रहे हैं वो है। प्रैक्टिकली कह रहा हूं मैं आपको, ये सब जो कलरफुल चीजें हैं, इसका सूत्र है हरिता पीता श्वेता मजिष्ठा कृष्णा, कृष्णा यानी ब्लैक, ब्लैक होल, जो साइंटिफिक्स लगे हुए हैं, ये सिर्फ अभी हमारे जैसे 81 करोड़ सवा लाख कितने 10 दिव्य शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं, गैलेक्सी नहीं कहूंगा मैं उनको, एनर्जीज कहूंगा, सारी ओवरलैप्ड हैं। हम नीचे खड़े हैं, हम देखेंगे तो सारी हमको दिखाई देंगे, सारी लेयर्स दिखाई देंगे। मैं कर्म भूमि में हूँ, बिल्कुल सेंटर में हूँ, जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे को पहली लेयर कर्म भूमि की, दूसरी लेयर अष्टोदेवी होने की, तीसरी अंतराल की, चौथी पांचवी छठी सातवीं सारी दिखाई देंगी। इसलिए ये फोटो जो है इस तरह से आती है कलरफुल। हम अपने 3,000 किलोमीटर तक हमारा एरिया है, जिसके बाद रॉकेट वो जब लॉन्च करते हैं तो वो एनर्जी साइड पे हो जाती है, रॉकेट फ्री फ्लोट हो जाता है, वहाँ तक आकाश तत्व है, परपंच है। उसके बाद जो खाली है सारा, उसको आप गैलेक्सी कहते हो, एक्चुअल में वो क्या है? ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, एनर्जी जिसको कहा जाता है, शक्ति मीन्स एनर्जी,
बिजली को विद्युत शक्ति बोलते हैं ना, जैसे एनर्जी कहते हैं, ये सूरज की रोशनी से एनर्जी आ रही है, एक्चुअल वो सारी एनर्जीज हैं, इनविजिबल एनर्जीज हैं। क्या है? अव्यक्त दिव्य शक्तियां। अब उसकी हम स्टडी करते हैं कि ये दिव्य शक्तियां हैं ये क्या क्या हैं। ये जो कर्म, ये जो अन्य व्यावृत्ति है, ये साकार दिव्य शक्तियों के बारे में बताती है। क्या बताती है? हमारा जो पूर्वी है उसकी जो तोची परमेश्वर निर्विवर निराकार से, उसकी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ निर्वचन में आई है, उसके अलावा कहीं नहीं आई। उसके बाद वो साकार की बातें करते हैं जो सृजन की गई है। मैंने सोचा कि ये इसे बातें क्यों नहीं बताई उन्होंने, चक्कल स्वामी महाराज ने, उन्होंने वही बातें बताई हैं जिनका सृजन हुआ है, जो हमें दिखती हैं। जो नहीं दिखती वो हमारा लेवल नहीं था अभी समझने का, बहुत कम बातें आई हैं इसके बारे में। क्योंकि सृष्टि है ना, यानी इनको सृजन किया गया, कर्म भूमि की जो मूर्तियां हैं, देवता हैं, उनका सृजन किया गया, ये शिरावली लोक का सृजन किया गया, नरकों का सृजन किया गया, कर्म 84 लाख योनियों का सृजन किया गया है, क्रिएट की गई है ये सारी परमेश्वर द्वारा। इसलिए हमारे पास जो नॉलेज आई है वो सृजित, जो जिनका सृजन हुआ है उसके बारे में आई है। जिनका सृजन नहीं किया गया, जीव का सृजन नहीं किया गया, दिव्य शक्तियों का सृजन नहीं किया गया, परमेश्वर का सृजन नहीं किया गया, उनके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे को दी गई है यहाँ पे। ब्रह्मविद्या शास्त्र के अंदर है, ब्रह्मविद्या शास्त्र के अंदर ही है, पर हमारे सामने नहीं आई बुक फॉर्म में। ठीक है, तब हम इसकी स्टडी जो है दोनों एंगल से करेंगे। समझ आ रही है? हम कहते हैं पहला सूत्र है, पहली दिव्य शक्ति, पहले देवता शब्द का अर्थ कर लेते हैं हम लोग। देवता किसे कहते हैं? देवता यानी प्रकाश, दीवा। जितनी ये शक्तियां हैं इनमें प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। ये है क्या बेसिकली? प्रकाश का पुंज है, बहुत बड़ा पुंज, समझते हो, गोला। ये प्रकाश का बहुत बड़ा गोला है, एक एक प्रकाश, दिव्य, दीवा, सब उससे शब्द बना है। प्रकाश को शॉर्ट फॉर्म में, जब प्रकाश छोटी चीज में आ जाता है वो दीवा बन जाता है, लाइट, ज्योति, जिसको कहते हैं ज्योत आई, ज्योत समा गई, ज्योत में ज्योत समा गई, या हमें ज्योत दिखाई दी। तो दिव्य देवता शब्द का मतलब ही यही है कि एक प्रकाश है, बस। ठीक है, अब प्रकाश को देखने के लिए कैसे करेंगे हम? सूरज तरफ देख सकते हैं क्या? सूरज अभी सिर्फ प्रपंच है एक प्रकार से, उसमें देवता का समर्थ है, प्रकाश समर्थ है, प्रकाश है, हम उसको नहीं देख सकते इन आंखों से, आंखें चौंधिया जाती हैं, हमारी एक लिमिट है, एक वोल्टेज तक हम देख सकते हैं, बहुत कम लिमिट है। इसका सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अर्जुन जी को कहा देवी तुझे मैं कौन सी दृष्टि दूंगा, दिव्य आ गया ना, दिव्य शक्ति और दिव्य, उस दिव्य शक्ति को देखने की दृष्टि दूंगा। क्या दूंगा? दिव्य शक्ति को देखने की दृष्टि दूंगा। हम यहां जो करने जा रहे हैं, हमारे पास दृष्टि नहीं है, हम उसको सिर्फ शब्दों में समझेंगे। उस दिव्य शक्तियों को हम शब्दों में समझेंगे, शब्द ज्ञान इसलिए कहते हैं इसे। हम क्या कर रहे हैं? हम किस लेवल पे हैं? अब समझ आ रही बात आपको? जो जो इतनी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उसका कोई एक्सप्लेनेशन कर रहा है हमारे को। चक्र स्वामी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, भैया वहां पर ऐसा है। क्या है? कर्म भूमि चिया देवता, कर्म भूमि चिया, कर्म भूमि चिया देवता होती। कर्म भूमि में जो है वो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, पर परमेश्वर परम ऐश्वर्य वाली, यानी उनका भी, उनके ऊपर भी कोई ऐश्वर्य करने वाला
उनके ऊपर भी कोई और उनके ऊपर राज करने वाला है। ठीक है जी। अब ये कर्म भूमि जब बोल दिया तो एक जगह का नाम है। किसका नाम है? जैसे शहर है ये, इसका नाम है ना, हर जगह का नाम होता है ना, एरिया का नाम होता है, नगर मोहल्ला सिटी वो जो भी होता है, क्या बोलते हैं तुम, कॉलोनी, हर एक का नाम होता है ना। तो कर्म भूमि में एक स्थान का नाम है। अब इन दिव्य शक्तियों को ये नाम क्यों दिया गया, इसका रीजन होना चाहिए, क्योंकि जो दिव्य शक्तियां हैं ये मनुष्य शरीर में जोड़े जोड़े के अंदर मेल और फीमेल 500 योजन जो कर्म भूमि का एरिया है उसके अंदर रहती हैं, जोड़े जोड़े में रहती है मेल और फीमेल। और ये कहाँ रहती हैं? टूटे हुए बंगले, गहरे पानी की खड, महल, कुएं, इनमें रहती हैं ये, हमें दिखाई नहीं देंगी जब तक वो दिखाना ना चाहें। हमारे लिए इन आंखों से पॉसिबल नहीं उनको देखना, अगर वो चाहे तो हमें दर्शन दे सकती हैं, चाहे तो। ठीक है, ये अगर कर्म भूमि वाली समझ आ गई कहानी। अब इनकी जो संख्या है वो है 13 कोटि। कितनी है? 13 करोड़। 13 करोड़ समझ लो, 6.5 करोड़ मेल, 6.5 करोड़। अब इनका जो एरिया है इसके दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या है जो निराकार है, एक जो है वो साकार है। निराकार जो इसका एरिया है प्रकाश का, उस वो है 500 योजन, यानी एक ही 500 योजन में 13 करोड़ टाइप के प्रकाश हैं, ओवरलैप। समझते हो? एक दूसरे का 13 करोड़ चीजों का एक ही जगह पर इकट्ठे होना, इक्वल एरिया के साथ, सब 500 योजन के हैं, यानी 13 करोड़ 500 योजन की प्रकाश हैं, पर उनमें डिफरेंस है कलर का। सबसे पहले तो सबसे पहले डिफरेंस है वो है कलर क्या है? इनका जो शाम को सूरज डूबता है ना, मंजिश्त जो टी शर्ट डाली हुई है, जो लोएस्ट है उसका डार्केस्ट है, जो ऊपरेस्ट है जो टॉप पे है उसका लाइट है। सूर्य डूबने समय जो रेड कलर होता है मंजिश्त बोलते हैं, या सिंदूर दा रंग बोल लो, वो कलर की ये शक्तियां हैं। आप इसमें संतरी दिखाई देगा, फोटो देखो, आप मैंने फोटो दिखाई ना, इसमें संतरी कलर है। संतरी कह लीजिए शॉर्ट में, अंदर रेड बोल लीजिए, जैसा भी बोल लीजिए, ये इस तरह से 13 करोड़ प्रकाश हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे कर दो। अब इनमें दो बातें हो गई, अब इनमें 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, 5 फीचर्स बताऊंगा मैं आपको देवताओं के। इनमें एक तो ये प्रकाश है हो गया, दूसरा चेतन है, दे आर लिविंग, नॉन लिविंग नहीं है, चेतन है, यानी उनमें हरकत है, चेतनता है, डेड नहीं है। तीसरी बात, उनमें सामर्थ्य है, ताकत है उनके अंदर। चौथी बात है, उनमें ज्ञान है, नॉलेज है उन्हें, हाँ उनको ज्ञान, किस चीज का ज्ञान है? हाँ, उनको अपने से नीचे का और अपने से ऊपर का दोनों ज्ञान है। अपने से ऊपर अस्तित्व ज्ञान है कि हमारे से ऊपर कोई है, बस इतना मालूम है हमारे से ऊपर कोई है। कौन है, कैसा है, ये हमें, आप कहते हो यार वो हमारे ऊपर रहते बड़े अमीर है, बड़े उच्चे, बड़े लोग, क्या लगे, बड़े लोग आ गए। बड़े कैसे हो गए? 8 फुट के हैं, 15 फुट के हैं, 16 फुट के हैं, वो कैसे बड़े हुए? हैं?
नॉलेज वाइज सब 6-6 फुट के ही है धरती पे, पर बड़े कैसे हो गए? नॉलेज वाइज, ज्ञान की दृष्टि से वो बड़े हैं, ठीक है, इन्होंने ज्ञान ज्यादा है। ऐसे ही देवताओं में ज्ञान है, क्या है बताया हमने, प्रकाश रूप है, एक उनका फिजिकल प्रॉपर्टी प्रकाश है, उसका कलर है हर एक का, फिर वो लिविंग है, चेतन है, फिर वो क्या है, सामर्थ्य है, उनके पास ताकत है, पावर है, फिर उनके पास ज्ञान है, फिर सुख है, वो खुश है, सुखी है, वो हमारी तरह ये नहीं है, फिक्र नहीं है उन्हें किसी चीज की, सुख में है वो, बिल्कुल बिल्कुल कोई दुख नहीं है उन्हें, सुख में है वो, ज्ञान सुख सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य। छठी चीज है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब है कि अब उनके नीचे भी 4 लोग बात सुनने वाले हैं। कहते ना, मेरे तो रोक क्यों डाल रहे हो आप, हमारे मन करता है नीचे बैठो, पानी लेकर आओ, मेरा काम कर दे, करते हैं ना, हमारा मन भी करता है ना, हमारे हाथ में भी 4 बंदे हो, थोड़ा कुछ हमें ही करना पड़ता है, इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो सबसे नीचे वाली देवता है, वो किसी पे ऐश्वर्य नहीं करती, क्योंकि तो उसके नीचे देवता नहीं है, वो जीवों पे ऐश्वर्य करने की कोशिश करती है। अब इसके लेवल्स हैं 13 करोड़। बात समझ आ गई, 6 चीजें होती हैं, देवता जब बोलेंगे तो 6 चीजें आएंगी, दिव्य शक्तियां हैं, उसमें सबसे पहले प्रकाश, फिजिकली प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर सुख भी है, ज्ञान भी है, सामर्थ्य भी है, और उस प्रकाश के नीचे उसको पता है, मुझे ज्ञान है कि मेरे नीचे भी कोई है, उस प्रकाश को ये ज्ञान है कि मेरे नीचे कोई है, उस प्रकाश को ज्ञान है, उस प्रकाश में सामर्थ्य है, उस प्रकाश में कलर है, वो प्रकाश लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। ये हो गया इनविजिबल अव्यक्त देवता की शॉर्ट में व्याख्या। अब इसकी व्यक्त की व्याख्या करते हैं। अब जो प्रकाश, उसका नाम कोई रखा नहीं इन्होंने, वो जो प्रकाश है ना, उसके अंदर डिफरेंसेस बता देता हूं। 13 करोड़ मैंने बोला प्रकाश 500 योजन के हैं। अब ये जो 13 करोड़ है, इनमें डिफरेंस क्या है? एक तो प्रकाश का कलर का डिफरेंस है सब में, 13 करोड़ टाइप्स ऑफ कलर हो गए। हाँ, जैसे हैश आता नहीं, 13 कंप्यूटर में हैश BBBB हैश BBA FF0 सब डिफरेंट है। तुम कंप्यूटर में खोलो तो वो कलर मैचिंग आता है ना, तो कोड लिखते हो यार, हैश FF क्या आता है, BBC क्या बोलते उसको, हेक्साडेसिमल कलर का कोडिंग है, हर कलर कोडिंग में कलर अलग है। इस तरह से 13 करोड़ हेक्साडेसिमल हैं। अब तू साल लगा लो, हैं सारे ऑरेंज, ऑरेंज ही हैं, लेकिन ऑरेंज में लाइट और डार्क का फर्क है। जो फर्स्ट लोएस्ट है वो डार्केस्ट है, जो 13 करोड़ नंबर वाला है वो लाइटेस्ट है। अभी तुम उसमें देखो, वहां पे जो ऐसे घुमा के देखो मोबाइल माउस को, तो वहां पे आएगा नीचे नंबर आते हैं। मैं देखता हूँ कई बार, वो पेंट में जाता हूँ ना तो करने की कोशिश करता हूँ, जब वो उसका बनाता हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन ग्राफिक्स में कैनवा में, तो वहाँ पे आता है आपको नंबर, नंबर भी डाल सकते हो या आपको स्क्रॉल करके वो लाइट और डार्क सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या समझना, सिर्फ इतना है कि वो रेडिश ऑरेंज टाइप है, डार्केस्ट लोएस्ट है, और 13 करोड़ उसमें नंबर होंगे हेक्साडेसिमल, ठीक है, कितने 1 2 3 HHH 1 HHH 3 2 3 4 ऐसे लगा लो तुम, तो देर विल बी अ डिफरेंस, हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन इन आंखों से। समय सूर्य डूबता ना, थोड़ी थोड़ी लाली आती है, वो लाली एकदम आपको लगता है स्टैग्नेंट है, नहीं थोड़ी देर में चेंज हो जाती है, वो धीरे धीरे देखो आप उसको, आपको 5-15 मिनट खड़े रहो तो बदलती जाएगी वो, है ना, वो लाइव है। ऐसे ही समझ लीजिए आपकी सब है शक्तियां ये वाली, कहां की, इनका नाम नहीं रखा हम, इनका नाम क्या रखते हैं, अभी अभी नाम नहीं रखा शक्ति का, है इट इज देयर इन यूनिवर्स बस। ये एरिया जो 500 योजन का है इनका, अब इनके पास क्या है, अब अगला इनका पॉइंट क्या है, जैसे कलर का डिफरेंस है वैसे इनके ज्ञान का भी डिफरेंस है,
प्रकाश का भी डिफरेंस है, सुख का भी डिफरेंस है, सामर्थ्य का भी डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 10 times। चेतन तो चेतन ही रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये 13 crore जो है, इनमें ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, प्रकाश, ये 4 चीजों का 10 time डिफरेंस है। यानी नीचे वाली से ऊपर वाली 10 time मोर पावरफुल है। मेरे को लग रहा है वो जो कलर है उसमें भी 10 points कुछ होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो मैं चीज को टच नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास आया नहीं है। बट बाकी जो चीजें हैं 4, ज्ञान, प्रकाश, सुख और सामर्थ्य, ये 10 time है। यानी कितने हो गए? 13 crore में 10 time का एरिया 500 योजन ही रहेगा। हाँ, प्रकाश भी, उनकी लाइट भी 10 times ज्यादा है, उनका सुख भी 10 times ज्यादा है, उनका नॉलेज भी 10 times ज्यादा है, और ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य तो नहीं है, ऐश्वर्य ऐसा कहेंगे हम लोग ना, ऐश्वर्य नहीं कह सकते। ऐश्वर्य क्या, मेरे से 100 बंदे हैं तो उसके ऊपर ऐश्वर्य कैसे करना है? ठीक है, लेकिन चेतन सारी है तो चेतन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रकाश की लाइट में फर्क आएगा, प्रकाश की लाइट में से 10 watt 20 watt है ना, ऐसे फर्क आएगा। एरिया 500 योजन ही रहेगा सबका। ऐश्वर्य कैसे आएगा? नहीं आएगा 10 times। अब एक नीचे की देवता के ऊपर एक ही देवता पे ऐश्वर्य कर रही है ना, वो तो 10 times कैसे हो गया? अब एक देवता के ऊपर एक दूसरी देवता है, वो एक एक ही है ना, तो उसके ऊपर वो अपना कल बोले कि भैया तू ये काम कर, ये काम, ये काम कर। अब जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी, उसके नीचे लोग बढ़ते जाएंगे। सबसे टॉप वाले के नीचे 13 crore में से एक कम करके इतनी देवताएं नीचे उसकी आज्ञा पालन खड़ा करने के लिए खड़ी हैं। अब इसमें 10 time नहीं बोलेंगे, 1 time ही बोलेंगे हम। ऐश्वर्य 1 time होना चाहिए, 10 time तो हो नहीं सकता। सुख 10 time है। जब मेरे नीचे एक ही देवता है, बंदा है काम करने के लिए, तो 10 time कैसे हो गया? 1 time हुआ ना। तो ऐसे समझते सब, ऐसे इस चीज को एक ग्रुप को समझना है। अब इसका ग्रुप कैसे बनाया गया है? एरिया वाइज। ये ग्रुप कैसे बना? एरिया वाइज। 500 योजन मतलब 6000 किलोमीटर। अब आप देखिए कि इसका रेक्टेंगल है या ओवल है या कैसा है, जो प्रकाश है हम जब भी देखते हैं गोली देखते हैं। ठीक है, तो ये एक 500 योजन का सर्कमफ्रेंस वाला ओवल शेप्ड है, बबल टाइप है ये। 6000 किलोमीटर के बबल, वो होता है ना कल बायो बबल चल रहा है, बबल है एक 6000 किलोमीटर का, 6000 किलोमीटर बाय 6000 किलोमीटर, समझ लीजिए। ये इनविजिबल है, ये एनर्जीज हैं जिसको कॉस्मिक एनर्जीज भी कहते हैं, ये अदृश्य रूप में है, दिव्य शक्तियां। ठीक है, अब हम आते हैं सूत्र में क्या लिखा हुआ। इनका नाम दिया गया कर्म भूमि चिया। अब ये जब प्रकट होती हैं, साकार होती हैं जब ये शक्तियां, तो इनका दायरा है कि 500 योजन से बाहर नहीं जाना। दूसरा है, जब सृष्टि की रचना शुरू हुई, जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो ये सारी की सारी शक्तियां एक एक बॉडी फॉर्मेट लेकर आई, जिसको ब्रह्मंडस्था कहते हैं। ब्रह्मांड के कार्यों को चलाने के लिए इन शक्तियों का एक एक बॉडी चाहिए ना, तो एक एक शक्ति एक एक बॉडी फॉर्मेट में शरीर बना, उसके अंदर प्रवेश की गई शक्तियां। शरीर बनाए गए, शरीर किस चीज के बनाए गए? दिव्य प्रपंच के, प्रपंच के ही हैं, पर वो बहुत रिफाइंड हाई क्वालिटी का प्रपंच है। अब आईफोन एप्पल का 1.25 लाख रुपए का फोन तो 12000 में मिलता है, 1.25 लाख का क्यों लेना? 10 time फर्क आ गया ना, करनी बात ही है। अब आप कपड़ा लेने जाते हो, 100 रुपया मीटर भी है और 3000-4000 रुपया मीटर भी है, क्या डिफरेंस है? एक मीटर कपड़ा 100 रुपया मीटर भी है, 20 रुपया मीटर भी होगा शायद, मुझे पता नहीं, 100 रुपये तो एवरेज है। और एक कपड़ा 3000 रुपया मीटर भी है, 2000 रुपया मीटर भी है, 1500 रुपया मीटर भी है, फर्क क्या उनमें? लेवल का फर्क है, क्वालिटी का।
तो जो हाई क्वालिटी होती है वो वहां क्या कह रहा था, प्योरिटी उसकी ज्यादा होती है। वापिस आते हैं, अब ये जब सृष्टि की रचना हमारा, मैं ये बात याद रखना, जितना ब्रह्म विद्या शास्त्र हम पढ़ेंगे ये सृष्टि में जो है उसकी स्टडी है। पहला शब्द है सृष्टि मध्य, सृष्टि में जो है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये इनविजिबल दिव्य शक्तियां हैं, आप बोलोगे ये धरती पे कहां पर है, पृथ्वी पे कहां पर है, तो पृथ्वी में कहते हैं जो सबसे पहला छोटा ग्रुप बनाया गया वो 500 योजन एरिया के हिसाब से बनाया गया, उनका नाम रख दिया इन्होंने कर्म भूमि ग्रुप, ग्रुप नंबर वन का नाम रख दिया कर्म भूमि। वो 500 योजन के अंदर रहेंगी, और ये जब सृष्टि की रचना शुरुआत हुई तो सबको बोला गया, ऑर्डर दिया गया कि सब अपने ऑफिस में आ जाओ सुबह 9 बजे, ऑफिस 9 बजे सुबह, आपने ऑफिस छोड़ना नहीं है। तो ये सारी शक्तियां एक एक करके अपनी बॉडी में, जिसको कहते हैं ब्रह्मंडस्था, क्या कहते हैं ब्रह्मंडस्था, अवतार नहीं, हाँ। अब मूर्तियां बनी, रचना क्रिएट किया गया, उन्हें पैदा नहीं हुई, वो अपने आप ही क्रिएट की गई 6-6 फुट की। उसके अंदर शक्ति, जैसे हमारी शरीर के अंदर आत्मा आती, जीव आता है, उनके अंदर भी देवता का वो शक्ति आ गई, उसको स्वरूप कहेंगे हम, देवता, देवता आ गई, देवता का चेतन स्वरूप उस बॉडी के अंदर आ गया, सबका आ गया, और घंटी बज गई, 9 बज गए, ऑफिस शुरू हो गया, यानी पृथ्वी पर टाइम चलना शुरू हो गया, हाँ, सब काम पे आ गए। ईश्वर भी मनुष्य शरीर में आएंगे, सभी देवताएं भी मनुष्य शरीर में आएंगी, और सारे जीव भी मनुष्य शरीर में आएंगे एक बार, हाँ बताता हूँ बाद में। चलो ये ज्ञान देने के लिए ये क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में सब ऐसे ही आए थे, फिर जीवों ने भी कर्म किए, देवताओं ने भी कर्म किए, परमेश्वर ने भी कर्म किए, ठीक है। जीवों ने कर्म किए, उन्हें उनका फल भुगतना पड़ा, देवताओं ने कर्म किए, उन्हें फल नहीं भुगतना पड़ा क्योंकि शक्तियां थी, परमेश्वर ने कर्म किए, उनको फल नहीं भुगतने पड़े, कर्मों का फल नहीं लगा, सिर्फ जीवों को कर्म फल लगे। वापिस आते हैं हम सृष्टि सहस रचना में, मत जाओ आप, हम दिव्य शक्तियों में वापस आते हैं, पहले दिव्य शक्तियों के बारे में कैलकुलेट कर लें। तो कर्म भूमि के बारे में समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया, अव्यक्त और व्यक्त दोनों समझ आ गए, ब्रह्मंडस्था व्यक्त है, व्यक्त है तो मतलब दिखाई देनी चाहिए, दिखती है वो, हाँ, परपंच हमेशा, जब तक सृष्टि रहेगी सहार नहीं तब तक व्यक्त रहेगी वो। बट आपने स्टार्टिंग में बोला कि वो जो क्या कहते हैं कि जो देवताएं होती है स्टार्टिंग में क्या कहते हैं वो दिखती नहीं है, फिर उनका प्रकाश होता है, जो अपने दिव्य शक्ति से ही हम उसको देख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा व्यक्त रहती है, ब्रह्मंडस्था में रहती है, लेकिन हम देख नहीं सकते, क्या बोलूं। दो चीजें हैं उसमें, देवता हो जाने उरो जाने, जीव जीव, ये सूत्र है इसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी है देवताओं में, देवता यानी परमेश्वर, इनमें प्रॉपर्टी है कि साइमल्टेनियसली वो कहीं भी रह सकती हैं एट ए वन टाइम, जीव में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो एट ए साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा जगह पे रह सके, जीव जे होआवे तेची होए एक ही जगह पे रह सकता है, अब मैं यहाँ पे, मैं कहीं और नहीं रह सकता, देवताएं यहाँ भी होंगी, बाजू वाले घर में भी होंगी, दूसरे देश में भी होंगी, दूसरे शहर में भी होंगी, और अपने अव्यक्त में भी वैसे ही रहेंगे। इसके लिए ये सूत्र है, जीवे जे होए तेची होआवे, जीवे जे होआवे तेची होए, देवता हो जाने उरो जाने, शेष भी है वहां पर, वो तुम्हारे को क्या लगा वो पूरा पूरा प्रकाश यहाँ पे आ गया ब्रह्मंडस्था में, लेकिन वो भी रहेगा ये भी रहेगा, एट ए टाइम मल्टीपल जगह पर वो देवताएं रह सकती है, अव्यक्त हमेशा रहेगी, अव्यक्त भी हमेशा रहेगी, ब्रह्मंडस्था तब तक रहेगी जब तक ब्रह्मांड है, जब सृष्टि इस टाइम अवेलेबल हमेशा रहेगी। अब इसके बाद आता है अवतार, विग्रह बोलते हैं, देवता का अवतार होते हैं, हाँ विग्रह या अवतार बोल सकते हो आप, विग्रह बोलो,
वो कभी आता है कभी चले जाता है, सौ जैसे राम देवता के विग्रह अवतार, ठीक है, और भी कहते हैं 10 अवतार हैं विष्णु के, वो आएंगे चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 1000 साल 100 साल लाख साल वो कुछ चीज के लिए आएंगे, दैट्स इट, उसको कहते हैं विग्रह, ठीक है। हाँ विग्रह ब्रह्मदस्त से निकलेंगे और निकल के आते हैं, जैसे तेरे पास 100 सेब पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास स्टोरेज होती है, तुम उसमें से एक पायली निकाल लेते हो ना, थोड़े चावल तो बनाने है तो वो प्रकाश एक ब्रह्मदस्ता में कन्वर्ट होते हैं, उसमें से अपने हिस्सा करके। मैं आपको वही चीज है ना, मैं आपको समझाऊं कैसे, वो इनविजिबल चीजें हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ विजिबल का। आपने कहा था मम्मी चावल कितने, एक गिलास चावल बना लो, 5 किलो चावल पड़े हैं आपके पास, अब उसमें कितना निकालोगे, एक गिलास लेकिन वहां चावल 5 किलो के 4.5 किलो कभी नहीं होंगे, वो 5 किलो ही रहेगा उसका। आप बोलोगे प्रकाश 100 वाट है तो निकला तो 40 वाट कम हो गया या कितना निकाला, ऐसा नहीं है उसमें, वो ऐसी रहेगी। यहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं बस इस चीज के ऊपर, समझ आ गई, यानी वो जितना अव्यक्त में मान लो उसके पास 100 किलो समर्थ है या 100 वाट प्रकाश है, 1000 वाट प्रकाश है, अगर ब्रह्मंडस्था बनेगी 1000 वाट प्रकाश कम नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा, 1000 वाट भी रहेगा, ब्रह्मंडस्था भी रहेगी, ब्रह्मंडस्था से जब देव अवतार होगा तो वो भी आएगा तो वो एज इट इज रहेगा, और ब्रह्मंडस्था से हमारे शरीर के अंदर जो अंश आएंगे छोटे छोटे बहुत माइन्यूट, वो भी ब्रह्मंडस्था से आएंगे, जिसको पिंडस्था कहते हैं, नहीं और उसमें सुख समर्थ ऐश्वर्य प्रकाश का जो रेशो होता है ना वो बहुत माइन्यूट होता है, अगर अव्यक्त में एक यूनिट है 100 यूनिट है तो ब्रह्मंडस्था में वो 40-50 यूनिट होगा, निर्णय सागर में लिखा हुआ है, अवतार में और भी कम जो है 30% है अव्यक्त में, अव्यक्त कॉस्मिक एनर्जी में शक्ति में अगर 100 यूनिट है तो ब्रह्मंडस्था में 30 यूनिट लेकर आएगा, पावर होगी, लेकर नहीं आएगा पावर उतनी होगी, हाँ वो उसमें पिंडस्था में और भी कम हो जाएगी, अवतार में और भी कम हो जाएगी, 1% ही होती है वो, अज्ञान वगैरह में कोई भी नहीं है, हाँ वो आप निर्णय सागर, हाँ 3 तरह के होते हैं वो, निर्णय सागर बुक में आप पढ़ लीजिएगा, देवता का चैप्टर है उसमें सारी डिटेल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा, पूछते जाओ मैं बताता जाऊँ, 3 तरह के होते हैं, ज्ञान विग्रह, अज्ञान विग्रह, शाब्दक विग्रह, ज्ञान अज्ञान और शाप, शाब्दग्ध, हाँ जिनको श्राप दिया वो देवता अवतारी से, वो जय विजय ये रावण और राक्षस ये थे, ये सारे देवता के ही थे, इनको श्राप दिया गया था कि धरती पे जाकर जन्म लो मृत्यु लोक में, हाँ भीष्म पितामह जो थे ये भी श्राप थे, ऐसे श्राप दिए जाते हैं वहाँ पे स्वर्ग लोक में तो आते हैं, ये कर्म भूमि का बात हो गया, देवताओं के बारे में काफ़ी डिटेल हो गया, क्योंकि लोगों को पिंडस्था ब्रह्मंडस्था और ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैंने समझा दिया, पिंडस्था समझते हो, हमारी बॉडी के अंदर सभी देवताओं के एक एक मेद मास के आधार पर है, वो गोडे तक गुड़के तक इतनी कर्म भूमि की है, उसके ऊपर इतनी है इतनी, जो आप देखा ना आपने वो आप देख लिए, निर्णय सागर में पड़ा हो गया उसमें आएगा, ये हमारे इस तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि देवताओं के फॉर्मेट है अव्यक्त, ब्रह्मंडस्था, अवतार और पिंडस्था, 4 तरह के ब्रह्मांड के अंदर आपको देवताओं के अस्तित्व मिलेगा, अव्यक्त, ब्रह्मंडस्था, अवतार, अवतार में 3 तरह के ज्ञान अज्ञान और विशाब्दक और पिंडस्था, ठीक है, इसके अलावा आपको जो मिलेगा, अब आपको क्या महात्मा जी जो शिवलिंग है उसमें क्या है, जो मूर्तियां हैं माता रानी वैष्णो देवी है वो क्या है, बहुत लाइन लेवल पे आ गए हम लोग, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ समर्थ काम करता है वहां पर, उसमें देवता का प्रकाश चल के नहीं आया, वो क्या है, एक समर्थ्य है सारा, अब जाओ मूर्ति लगी होगी देवता की, बहुत लोग आएंगे वहां, देवता अपना ये प्रकाश लेके नहीं आएगी, वो सिर्फ दूर से उसमें समर्थ डालेगी अपना, तो सामर्थ्य है उसके पास वो उसमें डालेगी, है कितने परसेंट, 6%, जैसे ज्वाला जी में ज्वाला जलती है तो वो उसका प्रकाश है, वो हमेशा चल रही है,
जितने भी ये देवता के स्थान है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो वहां पर स्टोन पड़े हो या कुछ भी हो, शिवलिंग हो, इसमें देवता नहीं होती, देवता का सामर्थ्य होता है। अब इसके अलावा कोई बताओ देवता का आपको दिखती है किसी और रूप में धरती पे, तो मुझे बताओ। मेरे हिसाब से पांच के अलावा, लेकिन याद रखना पांचवा जो है सिर्फ उसका समर्थ है, उसमें स्वरूप नहीं है। स्वरूप के चार ही प्रकार हैं, अव्यक्त, ब्रह्मंडस्था, विग्रह और पिंडस्था। और बाकी आप बोलोगे हमारी आंखों में जो चीजें हैं या सूरज में रोशनियां हैं, ये समर्थ है, अधिष्ठान समर्थ, उसको समर्थ बोलेंगे, स्वरूप नहीं होगा। ठीक है, या इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई देवताओं के बारे में और नहीं है। ये पांच ही चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, हमारी आंखों में है रोशनी या जुबान पे है, ये भी देवताओं का समर्थ होता है, अधिष्ठान समर्थ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समर्थ्य होगा, स्वरूप नहीं होगा। पिंडस्था एक स्वरूप है, हाँ, देवता का एक्चुअल में मामूली सा एक कण हमारे शरीर के अंदर सबके है। ठीक है जी, वो मल के आधार पे रहता है पिंडस्था, उसमें लिखा हुआ है मल के आधार पे नहीं, मेद मास के आधार पे रहता है। इसकी डिटेल अगर डिटेल इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जो है ना वो बाद में आप इसके जैसे एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल, अव्यक्त कैसा है, इसकी और डिटेल जो है वो आप आश्रम में जाकर पढ़ना, स्थल पोथी में आएंगी वो है। पिंडस्था में 4%, तो क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे देवताओं का जो शुरुआत का चैप्टर है इसमें मैंने आपको देवताओं के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, कुछ बच गया हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, कर्म भूमि में रहने वाली ऐसा जो दिव्य प्रकाश है, वह ऐसा जो है वह दिव्य प्रकाश है, देवता है, पर वो ऐश्वर्य है, पर परम ऐश्वर्य नहीं है। श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब ये मैंने आपको देवताओं के बारे में बता दिया, फॉर्मेट काफी कुछ डिटेल है। अब ये पहला सूत्र हो गया, अब अगली वीडियोस में हम बाकी के सूत्र जो हैं वो देखेंगे। श्री चक्रधर स्वामी की जय।